सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि भारत के सबसे बढ़िया प्रोडक्ट रिव्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हेल्थी प्रोडक्ट रिव्यू चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल कैप्सूल का, और इनके बारे में कंप्लीट जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपके शरीर में सुस्ती रहती है, कमजोरी फील होती है, काम करने का मन नहीं करता और जल्दी थक जाते हैं, तो आपके शरीर में पक्का विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है। कुछ लोग दिखते तो हेल्दी हैं लेकिन उनके भी कमजोरी होती है, और मैंने जो लक्षण बोले अगर वो लक्षण आपको दिखते हैं तो पक्का आपके न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। जब आप डॉक्टर के पास में जाते हैं और कमजोरी को लेकर बात करते हैं तो जो आपको दवाइयाँ मिलेगी उनमें मल्टीविटामिन कैप्सूल है वो 100% शामिल होंगे, क्योंकि मल्टीविटामिन कैप्सूल है वो आपके शरीर को ताकत देने का काम है वो करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बीवोन कैप्सूल्स के बारे में, जो कि दरअसल मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल हैं। हमारे इससे पहले भी मल्टीविटामिन्स को लेकर कई वीडियोज है वो रही है। उन वीडियोज की कमेंट में कई दर्शकों ने बीवोन कैप्सूल के रिव्यू को लेकर बात की, तो आपकी डिमांड पर हाजिर है आज की वीडियो। ये जो दरअसल कैप्सूल आप देख पा रहे हैं, बीवोन कैप्सूल बहुत ही फेमस कैप्सूल हैं, जो कि जुवेंटिस हेल्थ केयर के द्वारा बनाए गए हैं, और 91 रुपये के 15 कैप्सूल है वो आते हैं। इनको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो किसी भी मेडिकल स्टोर पर नॉर्मली है वो अवेलेबल हो जाते हैं। अगर इनके इंग्रेडिएंट की बात करूं तो इनमें शामिल हैं हाइड्रोक्लोराइड, नियासिनामाइड, सियानोकोबालामाइन, फोलिक एसिड, बायोटिन, बेटा कैरोटीन, जिंक सल्फेट, मोनोहाइड्रेट, जिंक, मैग्नीज, निकल सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फोरस, बोरॉन, ये सब चीजें है वो इन कैप्सूल के अंदर शामिल है वो की गई हैं। इन कैप्सूल को इस्तेमाल कैसे करते हैं इनकी बात करूं तो एक कैप्सूल नॉर्मली लेने की सलाह दी जाती है पर डे, यानी कि 24 घंटे में एक कैप्सूल है वो लेना है। किसी भी टाइम ले सकते हैं, खाली पेट नहीं लेना है, बाकी किसी भी टाइम ले सकते हैं। नॉर्मली पानी के साथ में जैसा हम नॉर्मल कैप्सूल लेते हैं वैसे ही इनको लेने की सलाह है वो दी जाती है। फायदों और यूजेज को लेकर बात करूं तो यह एक मेडिसिनल सप्लीमेंट है जिसको जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी हेल्थ नॉर्मल है तो नॉर्मली मेडिकल वाले से पूछ के आप इन कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक महीना लेते हैं तो आपको आपकी समस्या का निदान या फिर विजिबल रिजल्ट है वो देखने को मिलेंगे। नॉर्मली सलाह दी जाती है कि मेडिकल सुपरविजन के अंडर में ही इन कैप्सूल्स को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके कोई बीमारी है या फिर स्पेसिफिक कोई मेडिसिन ले रही है, दवाइयां आपके चालू हैं, या फिर कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करती है, तो उनको डॉक्टर की सलाह के बाद में ही इन कैप्सूल को इस्तेमाल करना चाहिए। सीधा इनको अपने हिसाब से इस्तेमाल है वो नहीं करना चाहिए। बीवोन कैप्सूल है वो बहुत ही फेमस है इनके यूज को लेकर और यूजेज को लेकर। तो दोस्तों हम आपको यूजेज को लेकर जानकारी दें तो पहला फायदा है वो इनका देखने को मिलता है वह है पोषक तत्वों की कमी है वो पूर्ति हो जाएगी, यानी कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की अगर प्रॉब्लम है तो वह प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है, विटामिन ए की कमी है, बायोटिन की कमी है, तो वो कमी है वो दूर हो जाएगी। काफी सारे विटामिन और मिनरल्स है वो इन कैप्सूल्स के अंदर है वो शामिल है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, जो कि नॉर्मली लोगों के रहती है, ज्यादा जो लोग है वो अंदर अंदर रहते हैं, बाहर उनको सनलाइट नहीं मिल पाती है, तो उनके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, तो विटामिन डी की कमी को भी दूर करने का काम ये कैप्सूल है वो करते हैं। अगर आपके शरीर की बोन्स कमजोर हैं, हड्डियां हैं वो वीक हैं, तो आप इन कैप्सूल्स को ले सकते हैं। कैल्शियम की पूर्ति करने का काम है वो ये कैप्सूल करते हैं। शरीर आपका कमजोर फील करता है, सुस्ती रहती है, थकान की समस्या रहती है, लैक ऑफ एनर्जी अगर फील होती है, तो आपको ये कैप्सूल है वो फायदा करेंगे, क्योंकि शरीर की एनर्जी को एनहेंस करने का काम है वो ये कैप्सूल करते हैं। अगर आपको बालों के लिए इन कैप्सूल्स को इस्तेमाल करना है या फिर हेयर लॉस के लिए करना है तो भी आप इनको कर सकते हैं, क्योंकि इनमें बायोटिन और विटामिन बी की अच्छी मात्रा देखने को मिलती है, इसलिए कुछ जगह पर हेयर लॉस के लिए भी इन कैप्सूल्स को लेने की सलाह है वो दी जाती है। अगर नाखूनों में कमजोरी है और नेल्स में ज्यादा ही पतलापन है या फिर टूटते रहते हैं तो ये कैप्सूल आपको इस मामले में भी फायदा है वो कर सकते हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो कैप्सूल्स के बारे में साइड इफेक्ट को लेकर बात करते हैं, तो साइड इफेक्ट को लेकर बात करूं तो इनके कोई भी नॉर्मली साइड इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलते, लेकिन अगर इसका ओवर यूज किया जाए या फिर गलत तरीके से इनको यूज किया जाए तो साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। जी मचलाना, सिर चकराना या फिर कॉन्स्टिपेशन को लेकर प्रॉब्लम या फिर कोई डाइजेस्टिव इश्यू, तो इन सब चीजों से रिलेटेड साइड इफेक्ट है वो भी दिख सकते हैं। तो दोस्तों ओवर यूज इनका नहीं करना है और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही बीवोन कैप्सूल को इस्तेमाल करने की सलाह है वो दी जाती है। इनके अलावा भी कई यूजेज है वो देखे जाते हैं इन कैप्सूल्स के बारे में, लेकिन उनको डॉक्टर की सलाह के बाद में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नॉर्मली जो यूजेज है वो मैंने आपको बता दिए। वीडियो में आपको बीवोन कैप्सूल्स के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी ऐसी मुझे आशा है। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जिनको की जरूरत है इस जानकारी की, और जो शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं उनके साथ में शेयर करें ताकि वो अपनी बॉडी को और भी ज्यादा हेल्थी बना सके। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आपको कमेंट करनी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, आपको रिप्लाई मिलेगा। इंडिया के सबसे ट्रस्टेड और क्वालिटेड प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले चैनल हेल्थी प्रोडक्ट रिव्यूज को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।